व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल ऑब्वियसली ऑन यूट्यूब। तो मेरे को बता दो यार, आप सारे कैसे से हो? बढ़िया, बहुत सही, मजे में। तो यार आज रोस्ट होने वाला है बॉलीवुड के ऊपर। मगर क्यों, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? हमारा चूतिया सिर्फ लड़का लड़की और नेताजी लोग नहीं काटा था, बॉलीवुड भोसड़े के इन सब में सबसे पहला था जिसने हमारा चूतिया काटा था। जब हम लोग ने आयरन मैन, स्पाइडर मैन, थॉर और एवेंजर्स को देख के बॉलीवुड से अपना पहला सुपर हीरो मांगा, तो भोसड़ी के ये लोग फिर इसको दे दिए यार। तुम प्रिया नहीं हो। कौन हो तुम? कहाँ भोसड़ी आवा? नहीं तो वो कह रहा है कि उसको तुमसे नहीं मिलना है और तुम लोगों का कुछ नहीं है, तो ये मैटर को तुम यही क्लोज करो। मैंने कहा अगर उसको मुझसे आप मिला दे, मेरे वो अगर सामने बैठ जाए, इसकी माँ चोद दूंगा, इसकी बहन चोद दूंगा, इसके जैसे जितने भी गद्दार हैं उनकी माँ चोद दूंगा। और ये सुपर हीरो क्या ठरकी है, बहन चोद लोगों के घर में घुस के उनकी बेटियों से बोलता है कि अपना नाइटी दिखाओ। अरे अरे देखो ना कितनी क्यूट नाइटी है, देखो ना मुझे। धक्का क्या देती, धक्का देती। हम सब तो लड़ रहे बहनचोद। यार मार्वल के एवेंजर्स, डीसी के सुपर हीरो जब आते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब गूज़बम्स आने लगते हैं यार, और भी बहुत कुछ खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा क्रिस आता है तो बहनचोद अंबुजा सीमेंट का एड लगता है यार। भंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। चलो एक बार हम लोग ने मान लिया कि ये बॉलीवुड है, ये लोग से गलती होती रहती है, ये लोग हकते रहते हैं। लेकिन भाई साहब जब दूसरे बार हम लोग ने सुपर हीरो मांगा, तेरी बहन की ये चूतिया ना उड़ सकता है, ये चूतिया ना दुश्मनों को मार सकता है, कुछ नहीं कर सकता है यार, ये इसको कुत्ते से डर लगता है। हम सब तो लड़ रहे बहन चोद। लेकिन देखो हाँ, टाइगर श्रॉफ को मानना पड़ेगा यार, इसके दो सुपर पावर हैं, एक ये जैकी श्रॉफ का बेटा है, दूसरा ये कैल्विन कैलिन का बॉयफ्रेंड है। लेकिन भाई साहब यहीं तक नहीं रुके, भाई साहब हक के लभेरते गए बागी 3। ऐसे वायरसों को कौन फैलाता है? भोसड़ी के करण जोहर, नेपोटिज्म का भंडार। If I put up धड़क्स पोस्टर्स which has ईशान and जानवी, I'll get like abuses about like you could have launched this person। मैं जो करना चाहता हूँ मैं करना चाहता हूँ, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूँ या मेरे चाची के भतीजे को लॉन्च करूँ, I can do what the f**k I want। तुम्हारी बहन के चोर। इस अलबेले लंड का एक शो आता है जिसका नाम है कॉफी विद करण, जो द एलन शो का थर्ड कॉपी माल है। इस शो में जाने के लिए ना आपके बाप का नाम इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होना पड़ेगा और आपका जीके का आईक्यू लेवल मतलब अपरंपार। Who is the president of India? Manmohan Singh। What is the president of India? शो का ना एक मोटो है, इस शो में जो जितना ज्यादा हागेगा उसको एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। अब उस गिफ्ट हैम्पर में क्या है, क्यों है, ये किसी को नहीं पता, बस मिल जाता है। अब उस गिफ्ट हैम्पर में क्या है ये जानने के लिए हम हार्दिक पांड्या को कॉल पे लेते हैं। हेलो हार्दिक भाई, मैं नवनीत बोल रहा हूँ। भाई वो जो आपको कॉफी विद करण में गिफ्ट हैम्पर मिला था उसमें क्या था? कौन कॉफी विद करण? भाई आप कैसे भूल सकते हो भाई? Who the hell are you? भोसड़ी के दोबारा इस शो के बारे में मुझसे कुछ पूछा ना, I will fuck you in the face। गन मार दूंगा भोसड़ी के तेरे। कौन नंबर दिया इसको मेरा? हार्दिक पंड्या एंड KL राहुल बैंड। करण माधव चूत की कॉफी की लौड़ी। जब एक आम इंसान गाना गाता है तो वो कुछ ऐसे गाता है, अब तो मेरा दिल जागे ना सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। लेकिन जब करण धर्मा गामा जोहर करते हैं तो वो कुछ ऐसे गाते हैं, अब तो मेरा लंड खड़ा खड़ा सोता है, क्या करूँ हाय कुछ नहीं होता है। चूतिया साला कुछ भी बोलता है माधव चूत। देखो करण भाई, कुछ होने के लिए लंड होना भी जरूरी है। जब आस पड़ोस में बच्चे पैदा होते हैं तो हिजड़े लोग आते हैं महीने के अंदर, वैसे ही जब किसी स्टार के घर में बच्चा पैदा होता है तो करण जोहर भगता हुआ जाता है। ओ माय गॉड, इसका मैं 25 दिन में एक्टिंग डबल कर दूंगा। अब करण जोहर के मूवीज में स्कूल में लड़कियां बिकनी में जाती है, मतलब स्कूल में लड़के लड़कियां किस करते हुए दिखाए जाते हैं। और यहाँ एक हमारा स्कूल है। ये सुन, ये बिपाशा गलती से टच हो गया रे। हाउ डेयर यू टच मी, यू इडियट्स, हाउ यू टच मी मैन। हेलो, आपके लड़के अभिजीत सिंह ने एक लड़की को छेड़ दिया है। चाचा, ओ भोसड़ी वाले चाचा,
हो गया बस। स्वागत तो करो हमारा। हॉलीवुड वाली जब कोई स्टंट सीन करना होता है तो फिजिक्स के प्रोफेसर को बुला के वो सारी चीजें डिसाइड होती है, लेकिन हमारे सैल्मन भाई वैसे नहीं है, भाई इज भगवान। भाई के पास एक मंत्र है कि चार जलेबी तेल में, लॉजिक गया जेल में आया भूत फिजिक्स। देखो सैल्मन भाई का फ्री टाइम में दो ही काम है, एक तो विवेक ओबेरॉय की गांड मारना और दूसरा लॉजिक की भी गांड मारना। मेरे बाबूजी इतने खुश थे, इतने खुश थे, शादी के दो दिन बाद खुशी के मारे उनका हार्ट फेल हो गया और वो मर गए। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और जब इन दोनों से भाई का मन उब जाता है तो भाई गाड़ी लेके फुटपाथ पे निकल लेते हैं। अपने सैल्मन भाई इतने स्ट्रॉन्ग है कि जिस मिसाइल को चलाने के लिए आर्मी के ट्रक तक हिल जाते हैं, भाई के डिग डगर से मगर तक नहीं होते। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और शेयर करो इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरा दिल का चैन।